शिमला जिला के रामपुर के समीप नोगली में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर पूर्व अभ्यास किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन की देखरेख में पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, राजस्व, स्वास्थ्य समेत सीआईएसएफ व सेना ने हिस्सा लिया। इस दौरान सतलुज नदी में बाढ़ के कारण बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की स्थिति की घटना का चित्रण किया गया। इस बाढ़ से नोगली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का निचला हिस्सा जलमग्न होना दर्शाया गया। स्कूल की ऊपरली मंजिल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने का अभ्यास भी किया गया। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि डिजास्टर आने की सूरत में कैसे तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकते हैं, इसका पूर्व अभ्यास हुआ है। एयर से भी मूल्यांकन किया गया है कि किस तरह विभागों और अन्य संस्थाओं के सामंजस्य से आपदा से निपटा जा सकता है। इस दौरान ये भी पता लगाया गया कि विभागों में आपदा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कमियां हैं, और इनका पता भी लगाया गया। सीआईएसएफ के अधिकारी ने बताया कि सतलुज नदी में बाढ़ से पानी छोड़े जाने पर उत्पन्न स्थिति का प्रदर्शन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि किस संस्था के पास डिजास्टर से निपटने के कौन कौन से सामान हैं। गरली के गांव सरड़ डोगड़ी खड़क में अवैध खनन का काम बदस्तूर जारी था, और जब कुछ लोगों ने इसे रोकना चाहा तो तेज हथियारों से लैस उक्त खनन माफिया गिरोह के चार हमलावरों ने ग्रामीण तीर्थराम के सिर व बाजू पर गहरे जख्म छोड़ दिए। आग बबूला हुए हमलावरों ने पीड़ित तीर्थराम को लहूलुहान करने के पश्चात उसकी बाइक को तोड़ा और बैग का सामान भी इधर उधर बिखरा दिया। जब इसकी सूचना रक्कड़ पुलिस को चली तो पुलिस ने तुरंत ही पंडित तीर्थराम का मेडिकल करवाकर आरोपी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नहरन पुखर में दुकानदार पर हुए आत्मघाती जानलेवा हमले का खौफ अभी लोगों के दिलों से निकला ही नहीं था कि अब ऐसे में एक ताजा मामला गरली के निकटवर्ती गांव सरड़ डोगरी में पेश आने से हर कोई दंग रह गया है। गांव सरड़ डोगरी में अवैध खनन कर रहे एक ट्रैक्टर चालक को ऐसे कार्य करने से जब रोका गया तो उसने तुरंत अपने अन्य चार साथियों को बुलाकर ग्रामीण तीर्थराम पर जानलेवा हमला बोल दिया। उक्त हमलावरों ने न केवल तीर्थराम के साथ मारपीट की बल्कि उसके सिर, बाजू व टांगों के अलावा अन्य हिस्सों पर गहरी चोट भी पहुंचाई है। इस वारदात की सूचना थाना प्रभारी रक्कड़ सुशील कुमार को मिलते ही उन्होंने तुरंत एडिशनल एसएचओ विक्रम सिंह व अन्य पुलिस दल को मौके पर भेजा। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेकर आरोपी हमलावरों के खिलाफ भिन्न भिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। मारपीट का शिकार हुए तीर्थराम ने मौके पर पहुंची रक्कड़ पुलिस को बताया कि उनकी मलकियत भूमि के साथ ही खड़ में अवैध खनन चल रहा था और एक ट्रैक्टर चालक को जब उन्होंने रोका तो उसने उनकी बात नहीं मानी और बेखौफ होकर खनन कार्य में लगा रहा। थोड़ी देर बाद जब वे अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए निकला तो कुछ लोगों ने वहां खड़ में ही उनका रास्ता रोका और उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों में 6 लोग थे जिनमें 4 लोगों ने उन पर हमला किया और 2 लोग तमाशीन बनकर देखते रहे। हमले में उनके शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। इस दौरान मोटरसाइकिल को भी हमलावरों ने नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद वे लोग मारपीट करके वहां से भाग गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे को लेकर इलाके भर में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने
एसपी कांगड़ा व डीजीपी शिमला से मांग की है कि उक्त हमलावरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा हमला न करें। पुलिस थाना प्रभारी सुशील शर्मा ने बताया कि हमले का शिकार हुए पीड़ित तीर्थराम का मेडिकल करवाया जा रहा है और हमलावरों के खिलाफ धारा 341, 323, 504 और 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच भी कर रही है। सोलन में भी मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें माना गया कि सोलन में भूकंप आने के बाद बहुत से लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं और उन्हें किस तरह से बचाना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की, जिसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आज सुबह ठोडो मैदान में बुलाया गया। ठोडो मैदान में स्थापित इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में शहर में चल रही गतिविधियों पर नजर रखी गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और भूकंप के बाद रेस्क्यू में जुटे कर्मियों को निर्देश भी दिए जा रहे थे। अधिक जानकारी देते हुए एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने बताया कि आज ये माना कि सोलन में भूकंप आने के बाद 5 जगह त्रासदी हुई है, जहां करीब 100 लोग इसकी चपेट में आए हैं और करीब 15 की मौत हुई है। ज्यादा घायल लोगों को तुरंत विभिन्न टीमों के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, वहीं जो ज्यादा गंभीर नहीं है उन्हें सीधा ठोडो मैदान में लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मैदान में ही रिलीफ कैंप भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपनी कमियों का पता लग सके। आज भी उन्हें अपनी कई कमियों का पता चला है, जिसे कई टीमों का आपसी तालमेल नहीं था, जिन्हें आने वाले समय में ठीक किया जाएगा।